यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो यार 2 दिन पहले आपका निमसेट का एग्जाम था, जिसमें बच्चों ने बताया कि इस बार एग्जाम काफी ज्यादा इजी आया, यानी कि जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था निमसेट का, उससे भी इस पेपर का लेवल कम था। और कई सारे बच्चों ने तो ऐसा भी कहा कि इसमें जो मैथ के क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ज्यादा कम था, उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे भी थे, 25 से 30 क्वेश्चन जिन्हें एकदम इजीली किया जा सकता है, यानी बिल्कुल हल्का क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपका इस पेपर का लेवल कैसा लगा ये आप कमेंट में बताना। उसके बाद आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसमें रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे तो आपसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप टिक करके आए होंगे। यानी कि अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया होगा, पिछली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बहुत बार बार बोला था, हर वीडियो में बोला था कि प्रीवियस ईयर अच्छे से करो। तो आपने अगर वो किया होगा तो आप करके आए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। और यार अगर आपका पेपर बेकार गया है तो डिसअपॉइंट ना हो, आपने अपना 100% दिया, आपने पूरे साल मेहनत की, अच्छे से पेपर क्या हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप ज्यादा निराश मत होना, और भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस खत्म नहीं होते कभी भी, बहुत सारी चीजें हैं करने को। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जब से आप एग्जाम देकर आए ना, तो तीन तरह के बच्चे हैं। एक तो बच्चे वो हैं जो बहुत अच्छा करके आए पेपर, तो उन्हें पता है कि वो NIT त्रिची या सूरतकल में चले जाएंगे। उसके अलावा दूसरे लेवल पे वो बच्चे आते हैं जो करके आए लेकिन श्योर नहीं है अभी कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि वो 550 से 570 के बीच ऐसा कुछ स्कोर करके आए हैं, तो वहां पर काफी सारे ज्यादा बच्चे आ जाएंगे उस बीच में, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। और उसके अलावा एक तो बिल्कुल तीसरे लेवल के, तो उन्हें पता है हमें एकदम बेकार करके आए, हमारा नहीं होगा, तो उन्हें तो पहले से क्लियर है। तो यार ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जो एवरेज पेपर करके आए हैं, जो जानना चाहते हैं आप किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो यार इस वीडियो में मैं आपको 2018, 2019, 2020 तीन सालों के जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंकिंग थी NITs के लिए वो बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस रैंक के अंदर ये कॉलेज मिल जाए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कौन सी रैंक पर कौन से कॉलेज प्रीवियस ईयर में मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं NIT त्रिची की। तो NIT त्रिची की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि NIT त्रिची में टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, तो जनरल के लिए 45 सीट्स है, EWS के लिए 10 सीट है, और OBC के लिए 29 सीट है, यानी 29, और ST के लिए 16, और ST के लिए केवल 9 सीट है। ठीक है, तो इसमें कैसे आपको मतलब जनरल के लिए, जैसे कोई बच्चा, कई सारे बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आता कि ये सीट मिलेगी कैसे, मतलब जनरल के लिए 45 है लेकिन जनरल के लिए 45 सीट ही है, मतलब इसका प्रॉफिट क्या है EWS का OBC का। तो यार ऐसा होता है, सबसे पहले जैसे कोई बच्चा OBC का है तो सबसे पहले उस बच्चे को देखेंगे वो जनरल में, क्या वो जनरल की सीट पाके उस कॉलेज में जा सकता है। अगर वो जनरल की सीट पाकर कोई उसे कॉलेज मिल सकता है, तो उसे डायरेक्ट जनरल की सीट के थ्रू वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको जनरल में वो कॉलेज नहीं मिला, फिर वो देखते हैं OBC में, या कि मतलब जो OBC में है कि क्या उसे OBC के थ्रू मिल सकता है, तो फिर वो उसे OBC के थ्रू वो कॉलेज दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर OBC का बच्चा अच्छी रैंक लेकर आया तो वो जनरल की भी एक सीट खा जाएगा, समझ रहे हो बात को, जैसे क्योंकि जब आपका रैंक कार्ड आएगा ना, उसमें एक होगी जनरल की रैंक, एक होगी OBC की रैंक, अगर आप OBC कैटेगरी कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो जनरल की रैंक देखेंगे। ठीक है, अगर जनरल की रैंक से हो रहा है, उसको कॉलेज मिल रहा है, तो दे देंगे, और नहीं हुआ फिर वो OBC में जंप करेंगे। और OBC में रैंक लिखी होती है कि आपकी 56 रैंक है, इतनी रैंक है, तो अगर आप उस रैंकिंग में आ गए, उस कॉलेज की रैंकिंग में OBC के थ्रू, तो उससे दे देंगे। तो ये फायदा होता है OBC वालों को, के OBC वालों को और जनरल EWS वालों को, के पहले वो काउंट होते हैं जनरल में, उसके बाद OBC या EWS में, तो जिससे वो जनरल की सीट कई बार खा जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि 2018 में जनरल में कितनी रैंक तक आपको त्रिची मिला था। तो 2018 में मिला था आपको 52 रैंक तक। ठीक है, उसके बाद OBC को मिला था 135 रैंक तक, SC को मिला था 1130 रैंक तक, और ST को मिला था 4484 रैंक तक। उसके बाद 2019 में जनरल में मिला था 45 रैंक तक। ठीक है, EWS में मिला था 276 रैंक तक, 276, OBC में मिला था 109, SC 1238, ST 1289, और जो 2020 आया उसमें 46 रैंक तक आपको जनरल में मिला था NIT त्रिची, और EWS में मिला था 109 तक,
ओबीसी में मिला था 124 तक, एससी में मिला था 1046 तक, एसटी में मिला था 25 से 41 तक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये रैंक खटपट कैसे रहेगी, एक बार 45 तक मिल रहा है, एक बार 52 तक मिल रहा है, एक बार 45, 46 कैसे हो रहा है। तो यार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अभी तक एनआईटी कैलीकट था, तो कई सारे बच्चे एनआईटी कैलीकट में चले जाते थे, इलाहाबाद में नहीं आते थे। कई सारे बच्चे सूरतकल में चले जाते, इलाहाबाद में चले जाते थे, वो सूरतकल में नहीं जाते थे। जिसके थ्रू मतलब जो कॉलेज ट्रेंड में चल रहा होता है ना, तो बच्चे उसमें चले जाते हैं, तो पिछले वाले की रैंक बढ़ जाती है। तो मतलब कम ज्यादा रैंक पर भी वो कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कोई बच्चे को अभी तिरछी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एनआईटी तिरछी जाना नहीं चाहता, उसके कोई भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जिस वजह से वो नीचे का कोई कॉलेज ले लेता है, इलाहाबाद ले लिया उसने क्योंकि उसके घर के पास पड़ा, कोई भी उसका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो जिस वजह से वहां पर एक सीट बच जाती है, तो नीचे वाला बच्चा है वो वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, इस वजह से कई बार ऊपर नीचे रैंक में, रैंक ऊपर नीचे होती रहती है क्लोजिंग रैंक कॉलेजेस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इसी तरीके से होता है, जैसे इस बार एनआईटी कैलीकट हट गया, इस बार वारंगल कम रैंक पर मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे पहले कैलीकट पर जाते थे अब वो वारंगल लेंगे। तो जब वारंगल पहले ज्यादा रैंक पर भी मिल जाता था, तो इस बार उसको कम रैंक लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एनआईटी सूरतकल के बारे में। और यार मैं इस वीडियो में आपको केवल 3 ही कॉलेजेस की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बताने वाला हूँ, तिरछी, सूरतकल, इलाहाबाद, क्योंकि यही टॉप 3 कॉलेजेस हैं, टॉप 3 एनआईटीज हैं एमसी के लिए। तो अपन बात करते हैं एनआईटी सूरतकल के बारे में। तो यार एनआईटी सूरतकल में सीट कम है एज कम्पेयर अदर एनआईटीज। तो यार इसमें जनरल की केवल 22 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है, ओबीसी की केवल 15 सीट है, और एससी की 9 और एसटी की 4 सीट है। तो यार 2018-19-20 इसकी सारी रैंकिंग लिखी हुई है, क्लोजिंग रैंकिंग, किस रैंक तक कॉलेज, किस कैटेगरी वाले बच्चों को किस रैंक तक कॉलेज मिले, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। तो यार 2018 में 130 रैंक तक जनरल में मिला था, ओबीसी को 447, एससी को 2701, एसटी को 2357 में रैंक पर मिल गया था। इसी प्रकार 2019 और 2020 की आप रैंक देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है तो आप पॉज करके देख लो। उसके बाद अपन बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद के बारे में। तो एनआईटी इलाहाबाद में जनरल की 45 सीट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 11 सीट्स हैं, ओबीसी की 29 सीट्स हैं, एससी की 16 और एसटी की 8 सीट्स हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इस पर भी सीट्स होती हैं, तो वो मैंने यहाँ शो नहीं की हुई है, मैंने केवल जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी दिखाई हुई है। तो आप दोबारा स्क्रीन पॉज करो और ये सारी क्लोजिंग रैंक देख लो, इस रैंक तक आपको एनआईटी इलाहाबाद मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इन कॉलेज की रैंक आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि एनआईटी इलाहाबाद जो है ना, पहले बच्चे हमेशा सूरतकल चूज करते थे एनआईटी इलाहाबाद के पहले। ठीक है, वारंगल को नंबर 3 पे रखते थे, लेकिन फिर प्लेसमेंट वाइज इलाहाबाद वारंगल से आगे निकल गया। और अब 2022 में ऐसा हो गया है कि एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी सूरतकल दोनों को प्लेसमेंट वाइज एकदम सेम लेवल पर खड़े हैं, यानी कि कोई भी बच्चा सूरतकल ले लेता है, कोई इलाहाबाद ले लेता है, जिसको जो अच्छा लगे। लेकिन इस टाइम पे प्लेसमेंट वाइज दोनों एक साथ कॉलेज खड़े हुए हैं, दोनों के अच्छे पैकेजेस हैं, और एनआईटी इलाहाबाद में लोग ज्यादा ही प्रेफर कर रहे हैं आना बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि आपको किस रैंक में कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको आइडिया मिल गया है कि आपको रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको पेपर में आप जैसा परफॉर्म करके आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। तो अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।